जय हिंद डिफेंस लवर्स, आज की टॉप हेडलाइंस कुछ इस प्रकार है। पहली बार सियाचिन ग्लेशियर की एक्चुअल पोस्ट पर तैनात की गई है विमेन ऑफिसर। चीन और पाकिस्तान को लेकर भारतीय विदेश मंत्री के कुछ महत्वपूर्ण स्टेटमेंट्स। जैपनीज मिलिट्री के सामने प्रदर्शित होंगे भारत के स्वदेशी मिलिट्री इक्विपमेंट। तालिबान ने पाकिस्तान को याद दिलाया भारत के सामने उनका 1971 वाला सरेंडर। यूएस और रशिया के 2000 न्यूक्लियर वॉरहेड्स, हाई ऑपरेशनल अलर्ट की स्टेटमेंट। तो जैसा कि तय था, आज भारतीय रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह द्वारा अरुणाचल प्रदेश से बीआरओ द्वारा बनाए गए 28 इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स देश को समर्पित किए गए हैं, और जिनमें रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण 22 पुल भी हैं। और आज इसे उद्घाटन समारोह को संबोधित करते हुए भारतीय रक्षा मंत्री का यह भी कहना था कि भारत के पास देश के क्षेत्र की सुरक्षा के लिए सीमा पर उत्पन्न होने वाली चुनौतियों को विफल करने की हर क्षमता है। इसके अलावा उनको यह भी कहना था कि भारत एक ऐसा देश है जो कभी भी युद्ध को प्रोत्साहित नहीं करता है, और हम हमेशा अपने पड़ोसियों के साथ अच्छे संबंध बनाए रखना चाहते हैं, और ये फिलॉसफी हमें हमारे भगवान राम और भगवान बुद्ध की शिक्षाओं से विरासत में मिली है। लेकिन भारत को उकसाने पर किसी भी तरह की स्थिति का सामना करने की क्षमता भी हमारे देश के पास है। यानी कि बात सीधी सी है कि हम युद्ध में यकीन नहीं रखते, पर अगर हम पर युद्ध थोपा जाता है तो हम हर चुनौती का सामना करने को तैयार भी हैं। बाकी बीआरओ को लेकर रक्षा मंत्री का कहना था कि अधिकतर लोग ये समझते हैं कि बीआरओ केवल आर्म्ड फोर्सेस के लिए काम करती है, पर मुझे लगता है कि बीआरओ से कहीं आगे कनेक्टिंग प्लेसेस, कनेक्टिंग पीपल की फिलॉसफी के साथ देशवासियों को एक दूसरे से जोड़ रहा है। और रक्षा मंत्री के मुताबिक इस परियोजना के तहत जो नए पुलों का निर्माण किया गया है, तो वह न केवल यहाँ के स्थानीय लोगों की इजी मूवमेंट में मदद करेगा, बल्कि इसकी मदद से फॉरवर्ड एरियाज पर हमारे ट्रूप्स, हैवी इक्विपमेंट, मैकेनाइज्ड व्हीकल्स, तो इन सभी के फास्टर इंडक्शन में भी मदद मिलेगी। इसके अलावा एक अपडेट यह है कि इंडियन आर्मी के फायर एंड फ्यूरी कोर से कैप्टन शिवा चौहान दुनिया के सबसे हाईएस्ट बैटलफील्ड सियाचिन ग्लेशियर की कुमार पोस्ट पर ऑपरेशनली डिप्लॉयड होने वाली पहली वुमेन ऑफिसर बनी है। और कैप्टन शिवा चौहान को सियाचिन ग्लेशियर में एक बेहद ही कठिन ट्रेनिंग कंप्लीट करने के बाद कुमार पोस्ट पर सक्रिय रूप से तैनात किया गया है। और आपको बता दें कि कुमार पोस्ट करीब 15,632 फीट की ऊंचाई पर है। और वैसे जानकारी के लिए आपको बता दें कि पहले जो इंडियन आर्मी में वुमेन ऑफिसर्स थी, तो उन्हें उनकी यूनिट के साथ रेगुलर पोस्टिंग्स के हिस्से के तौर पर सियाचिन बेस कैंप तक ही पोस्ट किया जाता था, और सियाचिन बेस कैंप करीब 9,000 फीट की ऊंचाई पर है। लेकिन अब पहली बार ऐसा हुआ है जब आर्मी की कोई वुमेन ऑफिसर सियाचिन ग्लेशियर की एक्चुअल पोस्ट पर ऑपरेशनली डिप्लॉय की गई है। ऑस्ट्रियन मीडिया के साथ एक खास इंटरव्यू में भारतीय विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने एक बार फिर से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हमारे दोनों पड़ोसियों की असलियत सामने रखी है। सबसे पहले बात करते हैं चीन के बारे में। तो इस इंटरव्यू के दौरान भारतीय विदेश मंत्री का कहना था कि हमारे पास LAC को एक तरफा रूप से नहीं बदलने का एक समझौता था, जो कि उन्होंने यानी कि चीन ने एक तरफा करने की कोशिश करी है, और चीन द्वारा जो यथास्थिति को बदलने का प्रयास किया गया था, तो उसको लेकर भारतीय विदेश मंत्री का साफ कहना था कि चीन समझौतों का पालन नहीं करने के लिए भारत को दोषी ठहरा सकता है। हालांकि वो बात अलग है कि सैटेलाइट इमेजेस से साफ पता चलता है कि गलती किसकी थी। और अब कहां यथास्थिति बदल सकती है या नहीं बदल सकती है, तो मैं एक विदेश मंत्री के रूप में सार्वजनिक रूप से तो भविष्यवाणी करने में संकोच करूंगा, पर मेरे अपने विचार और आकलन हो सकते हैं, लेकिन मैं निश्चित रूप से अपना अनुभव साझा कर सकता हूं। और मेरा अनुभव ये कहता है कि यहां पे लिखित समझौतों का पालन नहीं किया गया है, और हमने यहां पे कहीं ज़्यादा मिलिट्री प्रेशर देखा है जिसका कोई जस्टिफिकेशन है ही नहीं। और जबकि चीन इसके विपरीत कहेगा, वो ये कह सकता है कि भारत ने एग्रीमेंट का पालन नहीं किया, लेकिन मुझे ये भी लगता है कि चीन द्वारा ऐसा कहना काफ़ी मुश्किल भी है, क्योंकि रिकॉर्ड बहुत ही क्लियर है। आज के समय में कहीं ज़्यादा ट्रांसपेरेंसी है, आपके पास सेटेलाइट पिक्चर्स हैं, और अगर आप देखेंगे कि किसने पहले बॉर्डर एरियाज पर अपनी फोर्सेस को मूव कराया, तो मुझे लगता है कि रिकॉर्ड बहुत क्लियर रहेगा। और जबकि इसके अलावा इसी इंटरव्यू के दौरान भारतीय विदेश मंत्री का कहना था कि आतंकवाद का जो एपिसेंटर है वो भारत के करीब स्थित है, और सीधी सी बात है यहाँ पे बात हो रही थी पाकिस्तान की। और इसको लेकर भारतीय विदेश मंत्री का ये कहना था कि मैं एपिसेंटर की तुलना में और भी अधिक कठोर शब्दों का उपयोग कर सकता था, ये देखते हुए कि हमारे साथ क्या हो रहा है, बल्कि एपिसेंटर तो एक बहुत ही डिप्लोमेटिक वर्ड है, और जिस देश को आतंकवाद का एपिसेंटर बताया जा रहा है वो एक ऐसा देश है जिसने कुछ साल पहले हमारे संसद पर हमला किया था। पाकिस्तान वो देश है जिसने हमारे मुंबई सिटी में हमला किया। ये वो देश है जो हर दिन सीमा पार से आतंकियों को भेजते रहता है। और अगर पाकिस्तान अपने संप्रभु क्षेत्र को नियंत्रित करता है, जो मुझे विश्वास है कि वो करता ही है, और अगर आतंकी कैंप्स में रिक्रूटमेंट, फाइनेंसिंग, ये सभी दिन के उजाले में हो रहे हैं, तो क्या आप वास्तव में मुझे बता सकते हैं कि पाकिस्तान को इस सब के बारे में नहीं पता है या वो ये नहीं जानता है? और खास करके तब जब इन आतंकियों को मिलिट्री लेवल की कॉम्बैट टैक्टिक्स की ट्रेनिंग मिल रही है। और बाकी जैसा कि भारत को बार बार रशिया से फ्यूल लेने को लेकर कहा जाता है, तो भारतीय विदेश मंत्री ने एक बार फिर से वेस्ट के दोगलेपन को सामने लाया, जिसमें उनका कहना था कि भारत ने रशिया से जितना फॉसिल फ्यूल एनर्जी को इम्पोर्ट किया है, तो उसकी तुलना में यूरोप ने रशिया से 6 गुना ज्यादा किया है। और अगर $60,000 प्रति व्यक्ति आय पर आप अपनी जनसंख्या के बारे में इतनी परवाह कर रहे हैं, तो मेरे यहाँ $2,000 की आय वाली आबादी है, और मुझे भी ऊर्जा की आवश्यकता है, और मैं इस स्थिति में नहीं हूँ
कि मैं तेल के लिए ऊंची कीमत चुका सकूं। और एक सवाल के जवाब में उनका यह भी कहना था कि अगर ये सिद्धांत की बात थी तो यूरोप ने 25 फरवरी को रशिया से बिजली क्यों नहीं बंद की। बाकी इसके अलावा रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट को लेकर विदेश मंत्री ने एक बार फिर से भारत की पोजीशन को क्लियर किया है और भारत यही कहेगा कि इस कॉन्फ्लिक्ट का एक ही समाधान है, डायलॉग और डिप्लोमेसी, और दोनों ही देशों को इस पर वापस आना चाहिए। 13 फरवरी से 2 मार्च तक भारत और जापान की आर्मीज के बीच प्लान की गई बायलेटरल मिलिट्री एक्सरसाइज के दौरान भारतीय रक्षा मंत्रालय जापान में अपने स्वदेशी मिलिट्री इक्विपमेंट को भी प्रदर्शित करेगी और भारत की इंडियन डिफेंस इंडस्ट्री को प्रमोट करने के लिए इस एक्सरसाइज में पार्टिसिपेट करने वाले निरार्मिका कंटिजेंट अपने साथ स्वदेशी इक्विपमेंट को भी कैरी करेगा। और इस मामले पर हिंदू बिजनेस लाइन की तरफ से जारी की गई रिपोर्ट के मुताबिक स्वदेशी इक्विपमेंट को जापान में प्रदर्शित करने के लिए इंडियन आर्मी ने इंडियन मैन्युफैक्चरर्स को अप्रोच भी किया है और जो भी इसमें पार्टिसिपेट करने में दिलचस्पी रखता है तो उन्हें अपने इक्विपमेंट 5 फरवरी तक आर्मी को हैंडओवर करने हैं। और आर्मी की तरफ से जो कुछ खास इक्विपमेंट्स के लिए कहा गया है तो उनमें ड्रोन्स, मैन पोर्टेबल काउंटर ड्रोन सिस्टम, काउंटर आईईडी इक्विपमेंट, रूम इंटरवेंशन ऑपरेशंस के लिए रोबोट्स, राइफल्स जैसे लेटेस्ट स्मॉल आर्म्स, बॉडी आर्मर, कम्युनिकेशन इक्विपमेंट और कैजुअल्टी इवैक्यूएशन और मैनेजमेंट के लिए मेडिकल इक्विपमेंट, तो ये सारी चीज़ें इंक्लूड हैं। और बाकी ये देखना काफ़ी इंटरेस्टिंग रहेगा कि इस एक्सरसाइज में भारत की कौन सी स्वदेशी राइफल्स हम इंडियन आर्मी ट्रूप्स द्वारा ऑपरेट करती हुई दिखाई दे सकती है। और बाकी जैसा कि जापान ने अभी हाल ही में जो अपनी नई नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटजी को अनवील किया था तो उसमें जापान ने इंडो पैसिफिक रीजन में चाइनीज एग्रेशन को फेस करने के लिए भारत को भी अपने महत्वपूर्ण पार्टनर में काउंट किया था। आज मंगलवार को पंजाब के गुरदासपुर सेक्टर पर बीएसएफ ट्रूप्स ने हथियारों से लैस एक पाकिस्तानी घुसपैठिए को ढेर किया है और इस घुसपैठिए के पास से एक लोडेड पीएजी और 6 राउंड्स भी रिकवर किए गए हैं। और फिर इस घटना के बाद पूरे एरिया पर एक सर्च ऑपरेशन भी लॉन्च किया गया था। बाकी घुसपैठियों से याद आया, अभी कुछ दिनों पहले पाकिस्तान के इंटीरियर मिनिस्टर ने अफगानिस्तान में टीटीपी के हाइडआउट्स पर एयर स्ट्राइक करने की धमकी दी थी। तो इस धमकी के कुछ दिनों बाद अब तालिबान लीडर की तरफ से एक प्रतिक्रिया देखने को मिली है और उस प्रतिक्रिया में उन्होंने पाकिस्तान को भारत के साथ उसके 1971 वाले वॉर के बारे में याद दिलाया जब पाकिस्तानी आर्मी ने भारत के सामने अपने घुटने टेके थे और एक नया देश बांग्लादेश बना था। तो इसलिए तालिबानी लीडर ने पाकिस्तानी मिनिस्टर को 1971 में पाकिस्तान के सरेंडर वाली आइकॉनिक फोटो के साथ उन्हें वॉर्न किया है कि अब एक और शर्मिंदगी से बचने के लिए पाकिस्तान को अफगानिस्तान से दूर रहना चाहिए। यानी कि इसके साथ तालिबानी लीडर का साफ कहना था कि अगर पाकिस्तान अफगानिस्तान के खिलाफ किसी सैन्य कार्रवाई के बारे में सोच रहा है तो उसे बांग्लादेश की तरह ही शर्मनाक तरीके से आत्मसमर्पण करना पड़ेगा। और बाकी जिस तरीके से तालिबानी लीडर ने रिप्लाई दिया है तो उस रिप्लाई के नाम पर आज इस वीडियो को एक लाइक तो बनता ही है। भारत ने बे ऑफ बंगाल पर संभावित मिसाइल टेस्ट के लिए 10 से 11 जनवरी तक एरिया वार्निंग जारी करी है और जो एरिया वार्निंग है ये 365 किलोमीटर तक की रेंज के लिए है। बाकी इसके अलावा सिप्री की ईयरबुक 2022 के मुताबिक दुनिया के जो नॉन न्यूक्लियर आर्म्ड स्टेट्स हैं जिनमें यूएस, रशिया, यूके, फ्रांस, चीन, भारत, पाकिस्तान, इसराइल और नॉर्थ कोरिया आते हैं तो जनवरी 2022 तक इन सभी के मिलाकर दुनिया में टोटल 12,705 न्यूक्लियर वॉरहेड्स थे। और अगर देखा जाए तो 9 स्टेट में से केवल यूएस और रशिया के वेपन्स ही मिलकर टोटल न्यूक्लियर वेपन्स का 90% है। और इसी रिपोर्ट के मुताबिक टोटल 12,705 न्यूक्लियर वॉरहेड्स में से 9,440 पोटेंशियल यूज के लिए मिलिट्री स्टॉक पाइल्स में रखे गए और उनमें से 3,732 मिसाइल्स और एयरक्राफ्ट में डिप्लॉय हैं और जबकि 2,000 न्यूक्लियर वॉरहेड्स ऐसे हैं जो कि हाई ऑपरेशनल अलर्ट की स्टेट में हैं और ये मुख्य रूप से यूएस और रशिया के ही हैं। जबकि 2021 की तुलना में 2022 में यूएस और रशिया के न्यूक्लियर वॉरहेड्स की इन्वेंट्रीज में गिरावट देखी गई है तो वो इसलिए है क्योंकि इन देशों ने अपने उन वॉरहेड्स को डिसमेंटल किया जो कि उनकी मिलिट्री सर्विस में बहुत पहले से हैं और वो रिटायर हो चुके हैं। और बाकी 9 कंट्रीज में से 4 कंट्रीज है जिन्होंने अपने न्यूक्लियर वॉरहेड्स को डिप्लॉय किया है जिनमें यूएस, रशिया के अलावा यूके और फ्रांस भी है। इसके अलावा एक अपडेट ये भी है जिसमें व्हाइट हाउस की तरफ से कहा गया है कि नॉर्थ कोरिया द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले किसी भी न्यूक्लियर वेपन्स के रिस्पॉन्स में यूएस और साउथ कोरिया एक इफेक्टिव कोऑर्डिनेटेड रिस्पॉन्स की प्लानिंग कर रहे हैं। बाकी अब समय है आज के इतिहास का। आज के दिन सन 2000 में जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में एक बॉम्ब ब्लास्ट में एसएसबी के कांस्टेबल एल नटराज सिंह और कांस्टेबल एच बीरा सिंह ने अपने जीवन का सर्वोच्च बलिदान दिया था। बाकी आपके लिए आज का सवाल, सियाचिन ग्लेशियर के कुमार पोस्ट का नाम किन के नाम पर रखा गया है? समय है आज के टॉप 3 कमेंट्स का जो ये रहे आपकी स्क्रीन पर। आज के इस एपिसोड के लिए इतना ही। उम्मीद आपको एपिसोड पसंद आया होगा। अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बाकी हमारे मर्चेंडाइज के नए डिजाइन को चेकआउट करना ना भूलें जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और बाकी अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करें।